निखिल वहां पर मौजूद है, सीधे रुक करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर की घटना के बाद डीजीपी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से सर ये पूरी घटना होने के लिए डीजीपी अच्छी अवस्थी किस तरह से पूरी घटना किस तरीके से घटना हुई है क्या? देखिए, पुलिस पार्टी एक अपराधी के यहाँ दबिश देने गई थी और उसके बाद रात का समय था जिस टाइम पर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर हुआ है। पुलिस पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया है और उसमें पुलिस वालों को गोलियाँ लगी हैं जिससे हमारे 8 आदमी शहीद हुए हैं, 7 आदमियों को चोटें आई हैं और पुलिस ने उनका बहादुरी से मुकाबला करके और उनका अभी भी पीछा किया जा रहा है। टीम्स लगाई गई हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ से भेजा गया है और वो वहाँ पर सुपरवाइज कर रहे हैं ऑपरेशंस को और इसमें हम गहराई से देख रहे हैं और एंड टू एंड इसको प्रयास कर रहे हैं कि पूरे लोगों को अकाउंट फॉर कर सकें। ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, पुलिस की कई पार्टियाँ इन लोगों की तलाश के लिए गई हुई हैं, क्या प्रोग्रेस है ये धीरे धीरे हमें पता लगेगी तब शेयर कर पाएंगे। आप में से एक व्यक्ति बोले, एक